प्रणाम कैनुराम जी, आपके मार्गदर्शन से मैंने नादेवली की साधना शुरू कर दी है। आज उस साधना को 30 दिन होने को आए हैं। इन 30 दिनों के कुछ अनुभव ऐसे हैं कि स्वप्नों के माध्यम से तो बहुत से अनुभव आए, पर वो स्वप्न के माध्यम से अनुभव को मैं उतना रियल नहीं समझता है। लेकिन जो रियल में अनुभव हुए उनके बारे में कुछ मैं बातें आपसे करना चाहता हूँ। वो कुछ ऐसे अनुभव हुए, ये साधना जब से शुरू की है तब से 3 या 4 दिन हो गए होंगे मुश्किल से, तब से ही इसके अनुभव दिखने शुरू हो गए थे। जैसे जहाँ पे मैं पूजा करता था, ध्यान लगाता था, वहाँ पे किसी के चलने की आहट, अत्र की सुगंध, ऐसे सब चीज़ें वो 3-4 दिनों में ही शुरू हो गई। एक सफ़ेद चोले वाला इंसान है जैसे अपने आगे पीछे चल रहा है, आहट हो रही थी, ज़ोरों से आहट हो रही थी कि कोई तो भी अपने आगे पीछे घूम रहा है। उसने बहुत सा इत्र लगाया हुआ है, इत्र की महक आती थी, फिर भी मैंने आंखें खोल के नहीं देखा कि जो है वो है। लेकिन रक्षा घेरे को काट के कोई अपने पास आया नहीं और कोई दिक्कत हुई नहीं। उसके बाद कुछ ऐसे होने लग गया कि आगे चलते चलते कुछ दिनों के बाद, समझ लीजिए 8-10 दिन के बाद में झटके लगने शुरू हो गए। 1-2-4 बार झटके लगते थे, आँखों में से आंसू आते थे। मैं बोला ये क्या हो रहा है, फिर आपसे बात किया, उसके बाद समाधान हुआ कि ऐसे कुछ हो रहा है तो डरने की कोई बात नहीं। उस वजह से मेरे को फिर थोड़ी राहत मिली। उसके बाद ऐसे ही करते 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 आगे साधना में बढ़ते गया, ऐसे करते करते मैं आगे तक आ गया। अभी समझ लिया, उस साधना को करते करते मुझे जब 20 दिन हो गए, तब 20 दिनों के बाद में मुझे एक ऐसी चीज़ हो गई कि दोनों आँखों के बीच में जहाँ आज्ञा चक्र बोलते हैं सभी, वहाँ पे बहुत ज़ोरों से दर्द होने लग गया। मैं बोला ये दर्द क्यों होता है, और वो ही होता था साधना के समय में। एक जितने समय अपन साधना में बैठते थे उतने समय में वो दर्द होता था। उस दर्द के वजह से ऐसे लगता था कि यहाँ पे क्यों दर्द हो रहा है, अब तक तो नहीं सर दर्द हो रहा था, अब क्यों हो रहा है। पर वो समझ ली 4-5 दिनों तक वो दर्द ज़ोरों से रहा, फिर उसके बाद वो दर्द भी बंद हो गया। और जब अपन आंखें बंद करके पूजा शुरू करते थे ऐसे लगता है कि जैसे आंखें खुली हुई है और अपने आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है, ऐसे लगता है। और ये तो सब बातें हो गई ऐसे, और इसमें एक दो बातें तो बहुत रियल हो गई, और दो रियल बातें ऐसी हो गई कि जो भी मुझसे जलते थे या तो मेरे दुश्मन थे या तो मेरा अहित चाहने वाले थे, तो उनके घरों में अपने आप विपदा आना शुरू हो गई। उनकी फसलों में बर्बादी हो गई, किसी के यहाँ पे बीमारियाँ शुरू हो गई, किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गए। ऐसे 2-4 लोग थे कि जिनके ऊपर मुझे शक था कि वो अपना बुरा सोचते हैं, तो वो आज क्लियर हो गया और उनके ऊपर विपदा आना अपने आप शुरू हो गया। उसके लिए मैंने ना कुछ किया ना कुछ हुआ, पता नहीं वो कैसे हो रहा है पर हो रहा है। और दूसरी एक बात ऐसी हो गई कि यह सब करते करते जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो बात अपने आप सच हो जा रही है। अब ये मुझे पता नहीं था, मैं बोला ऐसे कैसे सच हो जाएगी। फिर उसके 2-4 उदाहरण ऐसे हुए कि सच में वो उस बात पर मुझे विश्वास करना पड़ा, क्योंकि वो विश्वास अगर नहीं करता तो वो बातें सच होती थी। और उसमें क्या, जो भी सच होता है उसमें डर लगता है कि अपन जो बोल रहे हैं वो अच्छा होगा तो ठीक है, अगर अपन किसी के बारे में बुरा बोल दे और अगर वैसे हो गया तो अपने को अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो बातें बोलने में भी मैंने संकोच करना शुरू कर दिया। इस तरीके से अनुभव ये बार बार हो रहे हैं। अभी ये साधना के लिए 10 दिन बचे हैं। अब देखिए 10 दिनों में क्या क्या नए अनुभव होते हैं। इसलिए आपके मार्गदर्शन से मैं जो चल रहा हूँ उसमें तो काफ़ी बेहतरीन अनुभव हो रहे हैं। आज ये साधना करके मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। प्रणाम ज्ञानुराम जी।